चार हिंदी पाठ दो। लाख की चूड़ियां, लाख की चूड़ियां, सारे गांव में बहुत लाख की चूड़ियां बनाने वाला एक बदलू नाम का आदमी था, जो कि गरीब परिवार से था। वह लाख की चूड़ियां शादी के मौके पर अपने मन से सभी को उचित मूल्य पर देता था। उसी की कहानी, उसी की आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता है था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। लेखक बचपन का यह, लेखक के बचपन का यह दृश्य है। जब लेखक बचपन में अपने मामा के घर जाता था, तो बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहता था, क्योंकि गांव के सभी लड़के उसे बदलू काका कहते थे। इसलिए लेखक भी उसे बदलू काका कहकर पुकारता था, और गांव के वह रिश्तेदार था, इसलिए वह उसे खूब प्रेम से उसे क्या लाख की गोलियां, सुंदर गोलियां बनाकर। आप लोग भी कंचे, कंचे जिसे गोली कहते हैं, हम लोग गांव में लोग कंचे कहते हैं, उस कंचे को वह खेलता था। वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का बड़ा, सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, और किसी भी बच्चे के मन को मोह लेती थी। वैसे तो मैंने मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू का मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। क्यों कहा करता था? कि गांव के सभी लड़के उसे बदलू काका कहते थे, क्योंकि सभी का बदलू काका एक अकेला लेखक था, इसलिए वो लेखक कहता था कि बदलू काका उसे भी कहता था। गाँव के सभी बच्चे उसे काका ही कहते थे। बदलू का मकान कुछ ऊँचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा शहर था, जिस पर पुराना नीम का पेड़ वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी, जिस पर वह लाख पिघला करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पास में चार छह विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियां रखी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उसे मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ को चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उस पर रंग रख करता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था। हुक्का जानते हैं आप लोग, ये स्मोकिंग करने का है, जैसे कि जो नशा करते हैं हुक्का पीते हैं, वो क्या है, तंबाकू उसमें चढ़ा दिया जाता है, और चढ़ाकर आग रख दिया जाता है उसमें। लोग कई लोग, मतलब एक बिरादरी के कई लोग होते हैं, तो उसमें एक ही हुक्के से सब लोग पीते थे। वैसे ही बदलू था, अकेला वही पीता था। जिस पर नीचे बीच में पीला लला कहा करता रहता था, पीला रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता, और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछली मंगा देता था। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता था। लगभग रोज ही वह चार छह जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था,
मनिहार माने चूड़ी बेचने वाला, चूड़ियां बनाना उसका पैतृक, पैतृक माने पुश्तैनी, पैतृक। मतलब पुरखों की निशानी, पुरखों जो कि पुराने जमाने से पुरखों बनाए थे, उसके बेटे बनाने लगे, उसके और छोटे हो तो वो भी। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था, उसकी बनाई हुई चूड़ियों को खपत भी बहुत थे। उस गांव गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी, पास पास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसा से बेचता न था। उसका कभी तय वस्तु विनिमय का तरीका था। विनिमय क्या होता है? वस्तु के बदले। वस्तु विनिमय क्या होता है? वस्तु विनिमय माने किसी वस्तु को देकर उसके बदले सामान लेना, किसी वस्तु के बदले चूड़ियां लेना, जैसे गेहूं बदल कर, गेहूं से चना से चावल से बदल कर ये चूड़ियां लेती थी, लेता था बदला वस्तु विनिमय, उसी को कहते हैं। लोग अनाज अनाज के बदले उसे चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, मैंने कभी भी उसे किसी के झगड़े झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ रहता था, जीवन भर चाहे कोई मुझसे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही कुछ और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी बात किसी बात पर बिगड़ गया और वह फिर उसको मनाने के लोहे लग गए थे। विवाह में किसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसका अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलता वो अलग से। यदि संसार में बदलू को किसी से चीरती थी वह भी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती थी वह अंदर ही अंदर कूड़ उठता था, मतलब एकदम जल जाता था और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता था। मुझसे तो वह घंटों बात किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता था, कभी मेरे घर के बारे में, कभी तो ये शहर के जीवन के बारे में, तो कभी कहता था कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, और वह उत्तर देता था, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी लोग सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं, पर गाँव में ऐसा नहीं होता, उसकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच न आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता है, जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसलें में तो वह मैं रोज की तरह यहाँ से दो चार आम खा जाता, परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त कुछ दिन जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह था, लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था और वहाँ से लाख की चूड़ियां ले आता था। एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वह वापस आ जाते थे, परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली होगी। थैंक यू। अगले दिन
शेष भाग